नुमाइश मैदान के समीप चिल्ड्रन पार्क में आग लग जाने से नगर पालिका का वाहन जल गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नगर पालिका के सभासद नवीन चंद्र ने बताया कि गुरुवार की सायं नुमाइश के समीप पार्क में रखे वाहन में अचानक आग लग गई। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड तथा नगर पालिका को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन अधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर न केवल काबू पाया बल्कि आसपास के घरों तथा पावर कॉरपोरेशन के ट्रांसफार्मर को भी आग की चपेट में आने से बचा लिया। इस घटना में नगर पालिका के वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। नगर पालिका ने वाहन में आग लगने को किसी शरारती तत्व की हरकत करार दिया है। कल ये अचानक बच्चा पार्क के समीप एक हमारी पालिका की क्या कहते हैं पुरानी कूड़े उठाने वाली छोटी डंपर थी, इसमें अचानक अब अराजक तत्वों का हो या कैसे हुई आग लग गई। तो अचानक मेरी नज़र भी उसमें पड़ी, देखा तो धुआं उठ रहा था, तो मैंने देखा तो पूरी गाड़ी लगभग लगभग आग से जल चुकी थी। तो मैंने तुरंत पालिका को सूचना दी, मैंने कहा पालिका की गाड़ी में आग लग चुकी है, फायर सर्विस को फोन किया। मैंने कहा गाड़ी में आग लगी बेड़े माधव वार्ड में बच्चा पार्क के समीप, क्या कहते हैं एक गाड़ी थी हमारी पालिका की उसमें आग लगी, आप तुरंत आइए। फिर दमकल कर्मी आए हमारे, तत्काल आग बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया। कोई जान माल के कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही अगल रिहायशी इलाकों में कोई आग फैली, बड़ी घटना टल गई, गाड़ी लगभग लगभग पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।